السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خارطة الطريق عز قرني كتاب के चंदबास आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं फरमाते हैं ओफ़ो अमन मा का जो तुम पर ज़ुल्म करे तुम उसको मुआफ़ करो अमन मा का इसमें आप गौर कीजिए हम लोग हिंदुस्तान के लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं ज़लम तो का ज़लम तो का ज़लम तो आलई का क्योंकि उर्दू में कहते हैं मैंने तुम पर ज़ुल्म किया या तुमने मुझ पर ज़ुल्म किया ़लम तलैया लेकिन अरबी में इसका इस्तेमाल बग़ैर आला के होगा ज़लम तनी क़ुरान शरीफ़ में अल्लाह ताला ने फ़रमाया वलाकिन कानू अनफुसम यज़लिमून तो इसको समझना चाहिए कि इसका सिला क्या आता है या बग़ैर सिले के इस्तेमाल होता है इस्फ़ह अन ालिमी का अपने ज़ालिम से दरगुजर करो वसामह हो और उससे चश्मपोशी का मामला करो तनज़ सिलान मिन ही तुम उसके इसलह को उसके हाथ से छीन लोगे मतलब फिर वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई इसल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जब तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो तनज़ ये क्या है ये नज आयो बराबा से है छीनना क़ुरान शरीफ़ में अल्लाह ताला ने फ़रमाया तनजन्ना सा इस पर जज्म क्यों आया क्योंकि यह अमर का जवाब है औफो तुम मुआफ़ करो उसका नतीजा ये होगा कि तुम अपने भाई के असलह को छीन लोगे व तक्सर आसा हो तुम उसकी लाठी को तोड़ दोगे मुआफ़ करने की आदत से वह तो उम्मीद खंजरा हो और तुम उसके खंजर को नियाम में रख दोगे ये सब मज़ूम है व तुशर हो बिन नदम और तुम उसको नदामत और अफसोस का एहसास दिलाओगे व तजिद हो होलतम का उसके बाद तुम देखोगे उसको कि वो तुम्हारी रज़ा का तालिब होगा व यह हरीसो होती का और वो तुम्हारी सुलह का हरीस होगा इन अफवाका अन िमी का नसर हन तुम्हारा अपने ालिम को दरगुजर करना ये खुली हुई कामयाबी है वह फौज़न साह और ज़बरदस्त फतेह है साहि जबरदस्त फहनी का इनाफाउ था तो तुम्हारे लिए मुबारक हो अगर तुम मुआफ कर दो तो कुरान शरीफ में भी अल्लाह तबारक ने अच्छा सलूक करने की नसीहत फरमाई है इतफा बिल्लती ही अहसन फ़ैज़ी जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो जिगरी दोस्त बन जाएगा आखिर उदानादुल्लाबीन वल्लाबी वहीबी अजमा